तो फाइनली मेरे गढ़वाली वेडिंग व्लॉग में 1,00,000 व्यूज क्रॉस हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आप सब लोगों को थैंक यू करने के लिए एक थैंक यू व्लॉग बनाता हूँ। तो थैंक यू व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा देता हूँ वेडिंग व्लॉग की, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। व्लॉग पूरा नहीं देखा है, यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे लिखा होगा गढ़वाली वेडिंग व्लॉग, उसको क्लिक करके आप पूरा का पूरा व्लॉग देख सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो जो आपके उस व्लॉग से फेवरेट सीन है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मेरा फेवरेट सीन ये वाला था, मेरा फेवरेट सीन वो वाला था। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसमें इतने ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, ये मेरे लिए बिल्कुल एक सपने की तरह है। बट ये एकदम सडनली भी नहीं हुआ मेरे साथ कि ये एक दिन में हो गए, एक रात में हो गए। मई एंड तक 30,000 व्यूज हो चुके थे, और जून जैसे महीना स्टार्ट हुआ उसके बाद तो मतलब ऐसे व्यूज आना स्टार्ट हुए, मतलब पूरे जून के महीने में मेरे 70,000 व्यूज आए, 70,000। तो उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा, और अब मैं उस इंसान से आपको मिलना चाहता हूँ जिसने ये व्लॉग बनाने में मेरी बहुत हेल्प करी है, तो वो है निधि। हाय हाय। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इतनी इम्पोर्टेंट थी उस व्लॉग में, मतलब दुल्हन तो थी, तो ऑब्वियस सी बात है, बट इसने इतना सपोर्ट किया उस व्लॉग में मेरा, मैं जो भी पूछ रहा था इसने पूरा खुल के आंसर दिया, कोई ये इसने ऐसा नहीं बोला कि नहीं आ रही है मत पूछिए, मैं नहीं बता रही, इसने प्रॉपर तरीके से आंसर दिया, और इसीलिए शायद वो लोगों को इतना कनेक्ट किया है कि हर इंसान ने उस वीडियो को फील किया, नेचुरल था। हाँ, क्योंकि देखो ऐसा था, मेरा भी चैनल उस समय कोई बहुत बड़ा नहीं था, वरना कोई सोचता ना क्यों बुलवा रहा है मेरे से, तो इसने ऐसा भी नहीं सोचा, और फिर मैं तो हुई, फिर मैं तो पूछ ही रहा था ऐसे हर चीज। तो पहला क्वेश्चन मैं तेरे से ये पूछूंगा, पहले तो जब मैंने तेरे को बोला था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा, क्या फीलिंग आई थी तेरे को, क्या सोचा था तूने उस टाइम? पहले तो मुझे लगा कि व्लॉग यार क्यों बनाना है, लोग देखेंगे, 10 बातें करेंगे आपके बारे में। जब व्लॉग बन के आया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना अच्छा व्लॉग बनना था। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चीज सीक्वेंस थी बहुत ज्यादा, और सबने उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करा। इवन जब मैंने देखा तो मुझे भी सच में रियलाइज नहीं हुआ कि वो इतना अच्छा बन के आएगा, मेरे पेरेंट्स को भी वो बहुत ज्यादा पसंद आया। और दूसरी बात ये है कि अभी भी जैसे तो देखती है अगर वो व्लॉग, आज भी मैंने जहां चला दिया वो जो हल्दी वाला सीन है जिसमें तेरा और इसके पापा का बहुत ही प्यारा सा इमोशनल मोमेंट है, वो देख के तो अभी भी थोड़ा होता है तेरे को? हाँ, बहुत ज्यादा। एक्चुअली एक बार नहीं, कई बार देखा है हमने वो वीडियो, और जितनी बार भी हम देखते हैं एक नया एक्सपीरियंस मिलता है उसको देख के, और लगता है कि यार जस्ट अभी हुआ है ये। हाँ। इतनी नेचुरल लगती है वो चीज, और वो मोमेंट तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। मतलब मैं एक अंदर की बात बताता हूँ, जब मैं उस ब्लॉग को एडिट कर रहा था, खासकर वो जो हल्दी वाला सीन है, जब मैंने उसको एडिट करके पूरा बन गया, मेरे खुद गूज़बम्स हो रहे थे, मेरे जो मैं एडिट कर रहा हूँ खुद, मेरे को पता है उस पर्टिकुलर सीन की वजह से, और फिर मैंने उसका थंबनेल भी बनाया, तो उस पर्टिकुलर थंबनेल और उस पर्टिकुलर सीन की वजह से ही शायद ये वीडियो इतना सक्सेसफुल हुआ है। 90% लोगों ने कनेक्ट किया, और 90% लोग या तो रोए हैं या उनके गूज़बम्स तो पक्का आए होंगे। नहीं, मुझे यकीन नहीं था कि सुयश इतना अच्छा व्लॉग बनाएगा, सीरियसली बहुत ही अच्छा व्लॉग लगा मुझे तो। सुयश की बहुत मेहनत है इसमें, बहुत ज्यादा एफर्ट है, और उसके बाद वो इतना अच्छा बन के आया है। देखो यार, मेरी तो जितनी है ही है उतनी इसकी भी है, अगर मेरी 50% है तो इसकी 50% है, मतलब इक्वल है दोनों का, क्योंकि अब देखो शायद मैं
एक दो ब्लॉग और बनाऊ शादी के, तो उसमें पता चलेगा कि कितना अच्छा निकल के आ रहा है, क्योंकि जब तक साथ वाला सपोर्ट नहीं करेगा ना बनाने में, तब तक वो मजा नहीं आता बनाने में। और दूसरी बात तो ये हो गई, अब जैसे आपको पता है कि 1,00,000 व्यूज हो चुके हैं उस वीडियो पे, वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने लोगों ने देखा उसे, इतने लोगों ने पसंद किया उस वीडियो को, आई एम वेरी ब्लेस्ड। और जितने भी कॉमेंट्स आए, इतने अच्छे कॉमेंट्स हमें उससे मिले, थैंक यू सो मच एवरीवन। और अभी तक वैसे तभी मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट अभी तक कोई भी ऐसा इंसान मिला एक तरह की, अरे मैंने आपको तो उस वाले ब्लॉग में देखा था? यहाँ पे तो नहीं हुआ ऐसा, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से उसके बाद कोई हमें मिला ही नहीं, मिलना हुआ नहीं। पर्सनल कमेंट्स तो आए थे कि आपका ब्लॉग बहुत अच्छा था, हमने देखा आपका ब्लॉग एंड वी रियली लाइक्ड इट। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज बोल रहे हैं कि फेरे नहीं आए, फेरे नहीं लिए भाई तुमने, फेरे कहाँ गए? तेरे को भी लगता है कि फेरे नहीं हो पाए? हाँ, बट फेरे एक्चुअली सडन हुए, इन लोगों को भी पता नहीं चल पाया कब फेरे, क्योंकि फेरे का टाइम आई थिंक 3 और 3:30 के बीच में था। हाँ। और फिर उसके बाद अचानक से फिर वो 4 बजे स्टार्ट हुआ, तो फिर तब तक तो ये लोग सो गए थे, कोई भी उठा हुआ नहीं था। मेरे को तो था कि बनाना है, बट वो जो मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे, मतलब इसके फ्रेंड्स थे मेरे भी बन गए थे, वो उन लोगों के साथ बैठा हुआ था मैं, फिर वो लोग चले गए रूम के अंदर, तो फिर मैं भी चला गया उनके साथ ही। मैंने बोला चलो जब होंगे स्टार्ट तब करेंगे, फिर हम भी बातें करते करते हम भी सो गए। तो अंकल आंटी, जैसे कि आपको पता है 1,00,000 हो गए वीडियो में यूज, तो आपको कैसा लग रहा है अंकल? सबसे पहले तो श्रेयस बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए, बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही नयापन था वीडियो में। मुझे लगता है कि इसलिए सभी व्यूअर्स ने उसे पसंद किया, और जिन्होंने कमेंट दिए उसमें सभी को धन्यवाद। आंटी आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और सबका धन्यवाद जिन्होंने कमेंट करा और इतनी वीडियो को सराहा, मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों को लगा था कि इतने ज्यादा लोग देखेंगे 1,00,000 लोग? नहीं, मुझे तो लगा था जो मैंने वीडियो देखा था जब, तो उसकी जो क्वालिटी बन रखी थी और जो पूरा, हालांकि उसमें थोड़ा मुझे भी लगा कि थोड़ा फेरे वाला पोर्शन मिसिंग था, बट इसके बावजूद भी जो मेन हमारे गढ़वाली कल्चर जितना रहता है जो उसमें कवरिंग था, जैसे बाप बेटे का एक इमोशनल जो सब लोगों ने देखा हुआ, जो कि जनरली आदमी को लोग देखते नहीं है ऐसे आंसू आते हुए, हालांकि अंदर ही अंदर भले वो करेगा लेकिन बाहर आंसू नहीं आते, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स होते हैं खुद ब खुद आदमी रोने लग जाते हैं। और अभी जब भी हम वीडियो को देखते हैं वही फीलिंग्स हमें आ जाती है कि हमारी बेटी हमसे दूर जा रही है। दूसरी बात ये कि जब मैं थंबनेल बना रहा था इस वीडियो का, तो मैंने 2 थंबनेल बनाए थे, क्योंकि एक थंबनेल में तो अंकल थोड़े से रो रहे थे। हाँ। मैंने सोचा अगर इन केस अंकल थोड़ा ऑफेंस हो जाएगी यार, इसमें यार तूने मेरा रोने वाला भी डाल दिया, तो मैंने 2 तैयार कर रखे थे, मैंने जिस दिन अंकल बोलेंगे फटाफट मैं दूसरा लगा दूंगा। तो मतलब मेरा तो पहले बनाने का यही मोटिव था कि निधि के जो फ्रेंड्स नहीं आए थे उनको दिखाने का, दूसरा ये था कि जो गढ़वाली के जो रीति रिवाज नहीं पता इसको थोड़ा वो पता चल जाए, भले मैं फेरे नहीं दिखा पाया, बट चलो कोई बात नहीं, अब आगे किसी में दिखाएंगे। सभी लोगों को हमारे गढ़वाली कल्चर का, जो जहाँ भी शादी करे, गढ़वाल में करे, मुंबई में करे, दिल्ली में करे, लेकिन कम से कम लोगों को सबसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि अपना गढ़वाली कल्चर जरूर उसको फॉलो करें, जरूर उसको अपनाएं। ठीक है अंकल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो फिर इस थैंक यू वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और एक और चीज, जब शादी का ब्लॉग में बना रहा था तो उस टाइम मैं यूट्यूब चैनल में मैं तो एक्टिव नहीं था, इसलिए मैंने शादी के ब्लॉग में ये बोला ही नहीं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर मैंने चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोला होता तो शायद थोड़े और सब्सक्राइबर्स होते, बट कोई बात नहीं, जो किस्मत में होता है तो लिखा ही होता है। तो अभी बोलता हूँ मैं, चलो मैं क्या निधि बोलेगी, डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।